एक ये लोकल बल्ब दिया हुआ है। वायर की क्वालिटी सही लग रही है इसकी यहाँ पे, और ये बीच में बट स्विच भी है ऑन ऑफ के लिए, तो ओवरऑल ठीक है। करंट वगैरह दिखा दें कितना दिया हुआ है। ये है भैया ट्राईपॉड इसका पूरा, और ओवरऑल मतलब फिनिशिंग वगैरह सही लग रही है इसकी। स्क्रू दी हुआ है यहाँ पे टाइट करने के लिए, इसकी हाइट एडजस्टमेंट को बेसिकली, ये हाइट एडजस्टमेंट है इसकी, यहाँ से आप इसे लूज़ कर दो और ये इतना बाहर निकल आएगा जितना इस वक्त ये निकल रहा है। तो हाइट बहुत ज़्यादा तो लग रही इसमें दी हुई है, इतनी ही है मैक्सिमम निकलेगी इसमें। बाकी यहाँ पर ये बीच में चेंज दी हुई है इस तरीके से, ये चेन दिख रही है। और चेन की क्वालिटी मैं दिखा दूँ तो ठीक ठाक है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं कहूँगा, इट्स ओके इन इट्स प्राइस पॉइंट। चलिए इसे असेंबल कर लेते हैं फिर देखते हैं। सो गाइस हमारा हो चुका है लैम्प पूरा असेंबल। ये इसका जो टॉप था ये पूरा मैंने असेंबल कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ टॉप जो है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं टॉप हमारा ये असेंबल हो चुका है इसके अंदर, और ये बल्ब लगाया। अब बल्ब जो है दोस्तों ये मैंने अलग से लगे लगाया है इसमें 9 वॉट का, क्योंकि इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ था वो लोकल बल्ब था तो उसको मैंने निकाल दिया, उससे जो है बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं आ रहा था बाहर इसके अंदर, तो इस वजह से मैंने 9 वॉट का एक बल्ब लाया और ये सफिशिएंट है इसके लिए। अभी मैं जला के दिखाऊंगा आपको। तो ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है और ये वार्म लाइट में है। तो ये भी मैं आपको बता दूँ, इस लैम्प में आप जो भी बल्ब लगाइएगा अलग से ला के 9 वॉट या उससे ऊपर का लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 9 वॉट का कम से कम लाइएगा, 9 या 10 वॉट का जो भी अवेलेबल हो। और आप वार्म कलर में लाइएगा, यानी जो थोड़ा सा येलोइश वार्म कलर होता है वो वाला, व्हाइट LED बल्ब मत लाइएगा, जिससे कि आपका जो लुक है पूरा जो अभी आपको दिखेगा तो वैसा आपका येलोइश एक लुक आएगा जो एक प्रॉपर लैम्प का लुक होता है। तो चलिए अब इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से हम कर देते हैं ऑन, तो अब आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। तो यार बहुत ही प्यारा लग रहा है, करीब से आप देख सकते हैं काफी डिसेंट लग रहा है। जैसे ऊपर से ये पूरा जो पर्दा है पीछे इस पे ग्लो मार रहा है। ये हमारा सेटअप है जिस पे हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही नीचे की तरफ भी ये थोड़ी सी शैडो दे रहा है और ऊपर जो है वो ज्यादा शैडो दे रहा है। अब ऊपर जो है थोड़ा सा अगर आप चाहते हो कि ज्यादा शैडो ना दे ये ग्लो जो हो रहा है और थोड़ा ग्लो अंदर की तरफ और बढ़ जाए, तो एक काम करिएगा ऊपर जो है ना आप इसे किसी चीज से कवर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, कोई एक मेटल प्लेट हो या फिर प्लास्टिक की कोई प्लेट हो या कुछ और भी जुगाड़ का अपने आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो एक प्लेट है यहाँ पे प्लास्टिक की, इसको मैं आपको रख के दिखा दे रहा हूँ, तो इसको ये ऑलमोस्ट कवर अप कर देगी इस तरीके से। तो और ये जो है थोड़ा सा क्योंकि अंदर चली आएगी ना, इस तरह का आप कुछ भी रखेंगे प्लेट या कुछ और भी रखना है आपको तो वो दिखेगा नहीं आपको, बाहर से ऐसे आप साइड से देखेंगे, दूर से लैंप रखा हुआ तो वो पता भी नहीं चलेगा कुछ ऊपर से रखा हुआ है। और ये ऐसा लग रहा है कि इसके साथ में ही कुछ आई है प्लेट वगैरह जिससे हमने इसे कवर कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर का जो ग्लो था वो कम हो गया है और इसका नीचे की तरफ थोड़ी रोशनी बढ़ गई है जो कि ज़्यादा डिसेंट लग रही है, और अंदर भी थोड़ा सा ग्लो बढ़ चुका है। तो अभी हमारी रिंग लाइट्स एक्चुअली जल रही है जिससे ज़्यादा रोशनी आ रही है, तो इन रिंग लाइट्स को जो है मैं बंद कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ उस लैम्प को। तो एक बार आप यहाँ से भी देख लीजिए कैसा लग रहा है, जो मैं यहाँ पे सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, हमारा जो दूसरा चैनल है टेक टू बूम उसके लिए, तो उसका भी लिंक जो है वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा वो जो है चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं टेक टू बूम, जिसपे हम PC लैपटॉप्स और गेम्स रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में लैम्प जो है कितना अच्छा लगेगा, बैकग्राउंड में जो पूरा हमारा येलो पर्दे के साथ में रिकॉर्डिंग होती है तो काफी डिसेंट लग रहा है, पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा लुक दे गए। सो गाइस अब मैंने जो हमारी रिंग लाइटें इन्हें बंद कर दिया है दोनों को, और अब आप देख सकते हैं भाई अंधेरे में भाई कितना डिसेंट लग रहा है, कितना प्यारा लैम्प लग रहा है, जो ओवरऑल लुक दे रहा है भाई ये एक अंधेरे के अंदर रूम में, तो काफ़ी चार्म ऐड कर देगा ये आपके रूम के अंदर अंधेरे में। और जो मैंने ऊपर से प्लेट रख दी है ना, उससे आप देख सकते हैं ऊपर का जो ग्लो था वो कम हो गया, मतलब एक बराबर हो गया, नीचे की तरफ ग्लो बढ़ गया, जिससे कि नीचे रोशनी जो पूरी फैल रही है वो बहुत अच्छे से फैल रही है और काफ़ी अच्छा काफ़ी डिसेंट ये लुक दे रहा है। तो 1000 रुपये में भाई मैं कहूँगा डेफिनेटली ये वर्थ इट है भाई, डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं 1000 रुपये में, मैं कहूँगा बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लैम्प है और बहुत ही प्यारा लैम्प है। हो सकता है आपको कैमरे में इतना अच्छा ना लग रहा हो ये, लेकिन भाई रियलिटी में जो मेरे सामने मैं देख रहा हूँ ना
तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और येलो बल्ब जैसे कि मैंने कहा, आप येलो एलईडी बल्ब लगाइएगा वार्म लाइट वाला, तो उससे ही आपको प्रॉपर लुक देगा, बहुत ही अच्छा लुक देगा। और बाकी अगर आप चाहो तो इसमें स्मार्ट बल्ब भी लगा सकते हो, तो उससे आप इसकी लैम्प की इंटेंसिटी जो है ब्राइटनेस की वो कम ज्यादा भी कर सकते हो अपने स्मार्ट बल्ब से। और लैम्प्स तो यार मोस्टली जो होते हैं हमारे कमरे के अंदर, हमारे इंडोर्स में जो होते हैं, एक अच्छा सा चार मैट कर देते हैं। तो कोई सस्ते में अगर एक अच्छा लैम्प लेना चाहता है 1000 रुपए देके प्राइस रेट में, डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो। बाइंग लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई सवाल आपका इस लैम्प से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अंटिल देन गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।